हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स. मैं हूं आपकी होस्ट युक्ता शर्मा. वेल टुडे वी हैव साक्षी भारद्वाज. मैम वेलकम टू सफलता टॉक्स. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो यही पूछना चाहूंगी, जो जंगल बेस है, आपने इसका स्टार्टिंग कब किया था? किस ईयर में आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था? ये जो जंगलवास है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ अर्बन जंगलिंग, और इसको मैंने 2018 में स्टार्ट किया था. और इसको स्टार्ट करने का जो प्राइमरी एजेंडा था वो कभी भी नहीं था का कि ये मिनी फॉरेस्ट या मिनी जंगल का एक लुक लेगा आज 2021 में. ये सब कुछ भी प्री प्लान नहीं था, सब कुछ रैंडम था, सब कुछ स्पॉन्टेनियस था, और पैशन की वजह से आज की डेट में ये मिनी फॉरेस्ट तैयार हुआ है. ओके, 2018 में आपकी इसकी शुरुआत की है आपने, तो आपने अकेले ही इसको स्टार्टअप किया था या फिर आपकी बेसिकली कोई टीम थी? टीम नहीं थी, मेरी टीम में मैं और मेरी मम्मी थी, और मेरे एक भैया थे, माली भैया जिनको मैं कहती हूँ, वो थे. तो हम तीन लोगों की टीम थी जिसने इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. और इनिशियली हम लोग ने नॉर्मली जैसे हर घर में प्लांट हम लोग पॉट्स में प्लांट करते हैं वही किया था. कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिशियली नहीं किया था. 2018 में कॉमन हाउस प्लांट से हम लोग ने अपनी गार्डनिंग जर्नी को स्टार्ट किया था, जैसे नॉर्मल साइकस हो गया, मनी प्लांट हो गया, या आप सैंसवेरिया हो गया, ऐसे जो नॉर्मल हाउस प्लांट जो हर किसी के घर में आपको देखने मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी 2018 में इसकी इनिशिएटिव करी. ओके, स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली इसमें जब आपने स्टार्ट किया था? बिल्कुल कुछ डीमोटिवेशन? जो जंगलवास का कंसेप्ट है, मैं पहले उस पर थोड़ा सा हाईलाइट देती हूँ. तो जो जंगलवास का कंसेप्ट है, आज की डेट में सस्टेनेबल अर्बन गार्डनिंग या सस्टेनेबल अर्बन जंगलिंग की तरफ का है, और इसमें हम हाईली प्रमोट करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग को. बिकॉज हम धीमे धीमे कंसाइज हो रहे हैं. हम लोग के पास अब जमीन नहीं है, सिर्फ हमारे पास दीवारें हैं और आसमान है. पहले हम लोग के पास आंगन हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे, बड़े बड़े गार्डन हुआ करते थे. बट अब हम लोग पहले बंगलोज में रहते थे, फिर ड्यूप्लेक्स में रहते थे, अब हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, और उसके बाद अब स्टूडियो अपार्टमेंट का भी कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है. तो इसी वजह से सिमिलरली मेरे पास भी सिर्फ 800 स्क्वायर फीट का स्पेस एरिया था, और उस 800 स्क्वायर फीट स्पेस एरिया में जो हमारे पास जमीन थी, जैसे मिट्टी कहेंगे हम, उसमें बहुत दीमक और लाल चीटियां थी. तो हम लोग कुछ भी ना जमीन पे प्लांट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो कुछ भी प्लांट करते थे वो सब खराब हो जाता था. दैट्स व्हाई हम लोग ने वर्टिकली ग्रो करना स्टार्ट किया. ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरफ हम लोग सबसे पहले गए, क्योंकि मेरा जो है वो मोर ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और फोलिएज प्लांट्स. मतलब अगर आप मेरे जंगलवास में आओगे तो आपको पत्तियां ज्यादा मिलेंगी, अतरंगी पत्तियां आपको ज्यादा मिलेंगी, फूल थोड़े कम देखने मिलेंगे. तो जैसे हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट होता है घर का, जैसे किचन प्लास्टिक वेस्ट हो गया, या बाथरूम का प्लास्टिक वेस्ट हो गया, कोक की बॉटल है, फिनाइल की बॉटल है, लाइजॉल की बॉटल है, वैनिश की बॉटल है, यूज्ड टब हो गए, यूज्ड मतलब प्लांटर्स हो गए, जैसे जो खराब हो जाते हैं जिनको हम जनरली कबाड़ी वालों को सेल ऑफ कर देते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने अपने जंगलवास में यूटिलाइज करी एज अ प्लांटर. ये पहला इनिशिएटिव था. इसके बाद जो कोकोनट हस्क होते हैं, जिसको हम नारियल का खोल कहते हैं, हम लोग नारियल पानी पीते हैं, तो हम लोग बहुत टाइम से, हम पांच लोग हैं घर में, और हम लोग नारियल पानी बहुत टाइम से पीते थे. और 2016 में, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो था, मैंने अपना मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया था, तो हम लोग का एक प्रैक्टिकल पॉइंट था, हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग सिखाई जाती थी और किचन वेस्ट कंपोस्टिंग. तो मैं नारियल के खोलों को कंपोस्ट करने की कोशिश करती थी, बट क्योंकि नारियल का खोल इतना आसानी से कंपोस्ट नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, तो क्या होता था कि खाद तो बन के तैयार हो जाती थी, वो हम पेड़ों में दे देते थे, बट जो नारियल के खोल होते थे वो एज इट इज निकल के बाहर आ जाते थे. तो मम्मी ने इसी सबसे पहले स्टार्ट करी थी कि नारियल के खोल में उनने पेड़ लगाने की कोशिश करी थी. अब 2018 में जब मम्मी ने ऐसा किया था, तो मेरा जो आउटलुक था एज यूजुअल इस जनरेशन के सारे बच्चों का होगा कि अरे मम्मी यार कितना आउटडेटेड लग रहा है, कितना वियर्ड लग रहा है, कितना बेकार लगेगा, इससे अच्छा अपन जाकर के बाजार से प्लांटर, वर्टिकल प्लांटर लेके आ जाते हैं, उसमें पेड़ लगा देंगे, वो सुंदर लगेगा, मतलब कितना सब क्लास लग रहा है ये सब चीजें.
क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ एक था, और आज की डेट में जंगलवास की जो पहचान है वो कोकोनट हस्क प्लांटर से ही है। तो मेरा जो पहला कोकोनट हस्क में जो प्लांट मैंने स्पॉट किया था वो था मनी प्लांट, जो हर किसी के घर में उगाए सपोज, और वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 6 feet एंड अबव हो चुका है उसी सेम प्लांटर्स में। ना मैंने उसकी मिट्टी बदली है, ना मैंने उसको गुड़ाई करी है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उसमें अपना नॉर्मल जो वर्मी कंपोस्ट होता है, थोड़ा सा एरिया बचता है वो देती हूँ, और जो लिक्विड बायो एंजाइम फर्टिलाइजर्स में प्रिपेयर करती हूँ उनको फीड अप करती हूँ। तो इस तरीके से ये चीज मैंने स्टार्ट करी। अब यहाँ पे जो मुझको सबसे पहले स्ट्रगल जिसे हम कहेंगे इनिशियली जो फेस करना पड़ा वो ये था कि पहले साल में 2018 में जब मैंने कोकोनट हस्क में अपने प्लांटर एज अ प्लांटर यूज करना स्टार्ट किए थे, तो इनिशियली मैं उनको एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट नहीं करती। तो कोई भी प्लांट में जब उसमें लगाती थी तो एंटी मतलब अंदर से रूट रॉट हो जाता था, जैसे हम कहते हैं जड़ हमारी गल जाती है, या पेस्ट इन्फेक्शन हो जाते थे, या फिर नारियल जो है सुकड़ जाता था एकदम। तो जनरली आज की डेट में मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो हम कोकोनट प्लांटर्स को हमने भी ट्राई किया लगाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेस नहीं पा पाते। तो मेरे संग भी सेम चीज होती थी, नारियल में पेड़ तो लगा दिया बट अपने आप वो सुकड़ जाता था। तो उस चीज के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी है, एंड आज की डेट में एक कंडीशन है कि 600 से ज्यादा नारियल के खोल है मेरे पास, जिनमें मैंने अपने प्लांट्स को पॉट करके रखा हुआ है। और स्ट्रगल में यही था कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते थे और मेरे पेड़ मर जाते थे गल करके या सड़ करके। और फिर साथ ही साथ में अब जैसे पेड़ है उसको दीवार पे लगाना है, तो उसके लगाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो तरीकों को पहले एडजस्ट करना। पहले सुतली से लगाया, फिर सुतली सड़ जाती थी तो जो हमारी नॉर्मल नायलॉन की सुतली होती उससे लगाया। बट मेरा जो कंसेप्ट का मॉडल है वो बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल मॉडल की तरफ था, तो इसलिए मुझे नायलॉन के थ्रेड को अपने सिस्टम से अलग करना था। इसलिए फिर मैंने GI वायर को यूज करा, आयरन का जो वायर हम कहते हैं। तो जो ये पूरा मॉडल मैंने बनाया, इस पूरे मॉडल को अगर आप इमेजेस देखेंगे तो उस पूरे मॉडल में जितनी भी स्ट्रक्चर में यूज करी गई चीजें हैं, बैम्बू हो, नारियल हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, GI वायर हो, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर इवन इन फ्यूचर भूकंप आ गया, मतलब पाताल आ गया, सब टूट गया, सब बिखर गया, धरती फट गई, तो भी ये पूरा स्ट्रक्चर जमीन में जाकर के मिट्टी में मिल जाएगा। इट वोंट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू द प्लास्टिक। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आज की डेट में हर सिटीज में, हर छोटी छोटी सिटीज में प्लास्टिक का माउंटेन बन के तैयार हो चुका है। तो हमारे लिए स्ट्रगल स्टोरी है, सिटीज की स्ट्रगल स्टोरीज है, मेट्रो सिटीज की स्ट्रगल स्टोरीज है, स्मार्ट सिटीज की स्ट्रगल स्टोरीज है। उस स्ट्रगल स्टोरीज को रिप्लेस करने के लिए ये मॉड्यूल मैंने तैयार किया है। जो वर्टिकल गार्डन आज की डेट में हम देखते हैं अपने नदी नालों को कवर करने के लिए यूज किया जा रहा है बहुत हाई स्केल पे, बट हम क्या कर रहे हैं, जनरली हम उसमें प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज करते हैं, जो तीन मतलब वर्टिकल का सेट आता है 1, 2, 3 वाला, तो वो कॉस्टली भी होता है और इफेक्टिव भी नहीं होता है। साथ ही साथ में अगर वो गिर भी जाए तो वो मिट्टी में मिलेगा नहीं, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्लास्टिक वेस्ट। तो जंगलवास का जो कंसेप्ट है और उसकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो यही है। साक्षी, बहुत ही इंस्पिरेशनल सी स्टोरी, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, कहाँ से आपको आइडिया आया ये प्लास्टिक यूज करने का? कोकोनट आइडिया जो है वो बेसिकली हम सबके घरों में कबाड़ का पोर्शन होगा, आई गेस तुम्हारे घर में भी होगा, राइट? जैसे हम हमारी मम्मी महीने के आखिरी में कबाड़ी वाले को सेल ऑफ कर देते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, क्या बोलते हैं, शैम्पू की बॉटल हो गई, या फिर घी तीन के डब्बे हो गए, सब कुछ सेल ऑफ होता है, राइट? तो हमारे घर में भी एक ऐसा पोर्शन था जो हमेशा हर महीने मतलब इकट्ठा होता था। बट मेरे सेम सिचुएशन क्या थी कि हम लोगों को ना थोड़ा सफाई की ज्यादा आदत है, तो वो जो पाइल अप वाला सेक्शन था वो बड़ा लाइमलाइट में दिखता था, अरे ये रोज इकट्ठा हो जाता है, रोज कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट होता है, कार्डबोर्ड हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। तो वहां से इंस्पिरेशन आई थी कि ये जो पूरा कबाड़ है क्यों ना इसको यूज करना स्टार्ट करें।
तो इंस्पिरेशन जो थी वो घर का कबाड़ था, और इस इंस्पिरेशन या इस जंगल वॉक की जो शुरुआत थी वो मेरी मम्मी ने करी थी। तो आई वुड से कि अगर मम्मी ने उस दिन नहीं लगाया होता नारियल की खोल में जंगल, मतलब एक मनी प्लांट, तो आज की डेट में मैं शायद यहाँ बोल नहीं पा रही होती। तो इसी तरीके से जो अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनमें भी अलग अलग तरीके से काट करके पेड़ों को लगाना, और वाइडली, मतलब वियर्ड पार्ट है, मैंने हर तरीके के प्लांट स्पीशीज के प्लांट्स को ग्रो करा है। फिलोडेंड्रॉन्स हो गया, होयाज हो गया, मॉन्स्टेराज हो गया, सक्यूलेंट्स हो गए, और बिगोनियाज हो गए, और भी जितनी भी हमारी प्लांट स्पीशीज होती है, क्योंकि मेरे पास 450 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है, तो ऑलमोस्ट मैंने 450 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के प्लांट्स को नारियल के खोल में ग्रो करने की कोशिश करी है। और वियर्ड पार्ट ये है कि सब लोग बहुत अच्छे से एक्लिमेटाइज होकर के वहां ग्रो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक मतलब एस्टोनिशिंग सी बात है कि नारियल के खोल में ऐसा होता क्या है कि उसमें हर तरीके के प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इसकी मैं आपको खासियत बताती हूँ। जो नारियल का खोल होता है उसके अंदर की जो जटाएं होती हैं, आजकल हम जो गार्डनिंग में होगा उसको पता होगा कोकोपीट आता है आजकल बाजार में, ब्रिक आता है कोकोपीट का, जिसको हम पानी में गला करके मिट्टी में एक पोर्शन की तरह यूज करते हैं। उसका काम ये होता है कि वो पानी को सोक करके रखता है, उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है। इसी तरीके से जो नारियल की खोल है, ऑफकोर्स उसमें तो जटाएं हैं ही, क्योंकि उसी से कोकोपीट बनता है। तो जो ये नारियल की जटाएं हैं काफी सारा पानी होल्ड करके रखती है, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की रूट्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी लीव को कितनी रिक्वायरमेंट है, अपने आप पेड़ उतना उतना पानी उनकी जटाओं से सींचता जाता है, लेता जाता है। इसी के साथ साथ नारियल के खोल में एक अपना अंदर की जो लेयर होती है वो काफी नरिश्ड होती है, उसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी रिच होते हैं, क्योंकि अंदर नारियल की खोल की जो मलाई हम लोग खाते हैं पानी पीने के बाद वो काफी न्यूट्रिशियस होती है। उसके अंदर की इनर लाइनिंग हाईली न्यूट्रिशियस होती है, जो एक अपना एक छोटा सा इकोसिस्टम बना के रखते हैं वहां का, माइक्रो फ्लोरा मेंटेन करते हुए। इसी वजह से सारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से वहां की मिट्टी से मिलजुल करके अच्छे से रहती है और बहुत अच्छे से फ्लरिश करती है। और सारी प्लांट स्पीशीज को जनरली, सारे प्लांट्स की बहुत बेसिक नीड्स होती है, एक अच्छी सी मिट्टी मिल जाए, एक अच्छा सा पॉट मिल जाए, एक अच्छा सा एनवायरमेंट मिल जाए, और वो बहुत अच्छे से फ्लरिशली ग्रो करते हैं। तो ये पार्ट था कोकोनट हस्क का। 450 टाइप की स्पीसीज या मैं बोलूं वैरायटीज आपने ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट की है, तो उसमें आपको कोई कलेक्शन प्रॉब्लम आया? जो 450 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है मेरे पे, उसमें से 150 प्लांट स्पीशीज एक्सटेंशन के मोड, मतलब लाइक क्या कहना चाहिए, एक्सोटिक रेयर स्पीशीज है। एक्सोटिक रेयर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो ज्यादा आसानी से कहीं के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ग्रो नहीं होती, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जनरली ट्रॉपिकल प्लांट्स ही होते हैं, तो वो ट्रॉपिकल प्लांट्स आपके नॉन ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं, तो उस तरीके का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक मैं भोपाल मध्य प्रदेश में हूँ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में नॉन ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे मुझको अपने उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे हवा मेंटेन करनी पड़ती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है, पानी कैसे देना है, कितना देना है, कौन सा देना है, वो सब चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। अब बात आती है जब कलेक्शन की, तो इनिशियली जब मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया था तो वो तो कॉमन हाउस प्लांट्स थे, क्योंकि कॉमन हाउस प्लांट्स में भी आज की डेट में ऐसे बहुत सारे हाउस प्लांट्स होंगे जो गार्डनिंग में है उनको भी नहीं पता कि हम लोग हर बार नर्सरी जाते हैं हमें एक नया पेड़ दिखता ही दिखता है, बट वो जनरली होता कॉमन है, हम उसको पहली बार देखते हैं इसलिए वो हमें अनकॉमन लगता है। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था कलेक्ट करना, तो मैं भी इसी तरीके से नर्सरी जाती थी, लोकल नर्सरीज जो है वहां पे प्लांट्स कलेक्ट करती थी, इकट्ठे करती थी, हर बार मुझे नया पेड़ मिलता था मैं उसको लेकर के आती थी, मुझे लगता था वाओ मेरे पास कितने सारे पेड़ हैं। बट जब ये हमारा लॉकडाउन लगा 2020 में, उस ड्यूरेशन में मैं थोड़ा क्यूरियस हो गई, और उस टाइम पे मैंने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था जंगल वार, तो वहां पे एक इंडियन प्लांट कम्युनिटी और मतलब वुमेन्स प्लांट कम्युनिटी, इस तरीके से मेन एंड वुमेन प्लांट कम्युनिटी करके पेजेस है काफी सारे,
उनके अक्रॉस में आई और मैंने देखा कि मेरे पास तो कोई पेड़ है ही नहीं, क्योंकि वहां पे जितने भी प्लांट्स वो लोग पोस्ट करते थे वो मुझे बहुत अलग लगते थे और अनकॉमन लगते थे। ऐसा लगता था हाँ मेरे पास कोई पेड़ है ही नहीं, मतलब मेरे पास तो प्लांट कलेक्शन है ही नहीं। मैं फालतू में सोचती थी कि मेरे पास दो साल में इतना सारा कलेक्शन हो गया है। अब उन प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने सर्च करा कि एग्जैक्टली है क्या वो प्लांट्स, लाइक इतने अतरंगी पत्तियों के शेप और स्ट्रक्चर के प्लांट्स मिलते कहाँ है। तो देखा कि कहीं फ्लोरिडा में है, कहीं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में है, कुछ लोग साउथ अमेरिका से कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि इंडिया में रहने वाले लोग एक पेड़ पे इम्पोर्ट करेंगे नहीं, और अगर इम्पोर्ट करना है तो उनको चाहिए होता है लाइसेंस, तो वो तो मेरे पास है नहीं, मैं प्लांट कहाँ से करूँ इकट्ठे। तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे प्लांट कलेक्टर्स हैं जो फॉरेन से या बाहर से या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से इन रेयर प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर अपन को सेल ऑफ करते हैं। साउथ साइड में ज्यादा ऐसे लोग हैं, और इवन मैं भी अब कुछ टाइम बाद उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं लाइबल हूँ उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आई कैन इम्पोर्ट दो प्लांट ऐसा, बट उस टाइम पे आई प्लांट आई कुड इट। तो उन प्लांट्स को पहले मैंने परचेज करा, देखा कि कौन लोग उनको सेल कर रहे हैं, वेट करना पड़ता है प्लांट के लिए, लाइक डिमांड इतनी हाई होती है, या डिमांड इतनी हाई के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि वो प्लांट प्रोपोगेट इतने कम करे जाते हैं या रेयर इतने होते हैं कि बहुत कम प्लांट्स आपको सेलिंग में मिलेंगे, वो उनकी प्राइस बहुत हाई होती है और उनको आपको आई सपोज 6-8 महीने उनके लिए वेट करना पड़ता है कि आपको एक प्लांट की कटिंग मिल जाए, एक सिंगल लीफ से प्रोपोगेशन जिसे हम कहते हैं वो आपको रिसीव हो जाए। तो उन प्लांट्स को मैंने फिर धीमे धीमे कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब उन प्लांट्स को कलेक्ट करने के पहले उनको रखना कैसे है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता चला आपने 5,000 का 8,000 का पेड़ को ले लिया, अगर वो मर गया तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए उनकी स्टडीज के लिए मैंने बहुत सारे अपने जर्नल्स हैं, प्लांट जर्नल्स हैं, उनको रेफर करा उस ड्यूरेशन में। और उस ड्यूरेशन में क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी माइक्रोबायोलॉजी था और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी एग्रीकल्चर की हूँ, तो एक थोड़ा यू नो बैलेंस टाइप का था। इंटरेस्ट हमेशा रहा है मेरा पढ़ने में, कुछ चीजों को बारे में जानने में, तो इसीलिए मैंने फिर उसको स्टडी करा, ऑनलाइन स्टडी किया। इंस्टाग्राम पे जितने हमारे प्लांट कलेक्टर्स हैं या जो प्लांट ये जो रेयर स्पीशीज के कलेक्ट करते हैं उनसे मैंने पूछा कि अगर मेरा ये प्लांट ऐसे मर रहा है मैं इसको कैसे ठीक करूँ, किस तरीके की सॉइल मिक्सचर मैं उनको दूँ, क्योंकि हर प्लांट्स की जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं उनकी सॉइल मिक्स अलग होती है, जो नॉन ट्रॉपिकल प्लांट्स होती है उनकी सॉइल मिक्स अलग होती है, सक्यूलेंट्स की सॉइल मिक्स अलग होती है, कैक्टस की सॉइल मिक्स अलग होती है। तो आपको प्लांट्स कलेक्ट करने से पहले उनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये मानिए ये जो प्लांट्स होते हैं एक छोटे छोटे बच्चों की तरह होते हैं, लाइक दे आर लाइक योर बेबीज एंड यू हैव टू ट्रीट देम एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। और अगर आप उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट नहीं करोगे तो दे विल इवेंचुअली डाई ऑन यू, एंड इट हैपेंड विद मी, इट रियली हैपेंड विद मी। और तब मुझे थोड़ा झटका लगा था, आई वाज लाइक कि नहीं मुझे और पढ़ने की जरूरत है। एंड 2020 में मैं वर्क फ्रॉम होम था मेरा, मेरे पास काफी टाइम भी रहता था, मैंने काफी इंटेंसिव स्टडी करी एंड नाउ आई हैव लाइक 150 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रेयर प्लांट्स and still I'm collecting, like still there are plants that are on my wish list and on the wait list, like कुछ plants ऐसे हैं जिनके लिए wait list चालू है कि भाई आपने जैसे ही plant propagate हो जाएगा आपने मुझे देना है। So that's how I'm collecting. Okay, काफी अच्छी story, मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि 150 या 450 species है, लेकिन उसके पीछे का जो struggle patience है वो ये जो प्लांट कम्युनिटी है ना, इसमें लाइक सेलर बायर वाला जो सिचुएशन होता है उसमें क्या होता है कि देर आर वेरी जेन्युइन पीपल एज वेल और बहुत फेक पीपल भी होता है, सो बिकॉज देर आर ऑलवेज टू पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो उसका पॉजिटिव साइड भी है नेगेटिव साइड भी है। अब जब मैं नई नई थी मुझे कुछ प्लांट सेलर्स ऐसे मिले जिन लोगों ने मुझे बहुत हाई रेट में प्लांट सेल ऑफ करे, जो दूसरी जगह पे
मतलब जैसे मैंने आप ये समझो इनिशियली जब प्लांट्स खरीदे थे और जिन प्लांट कलेक्टर्स ने मुझे वो प्लांट सेल ऑफ करे थे उन लोगों ने उसकी कॉस्ट की 3 times लगाई. लाइक अगर वो कॉस्ट उसकी 1200 rupees है तो दे कॉस्टेड मी लाइक 6000 rupees लाइक दैट. तो देर इज ऑलवेज ए टू पार्ट ऑफ द स्टोरी है ना. सो लाइक देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके के पर्सन को टच करते हो. लाइक whom do you come in existence. So starting range तो जैसे ये कहो कुछ कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज होती है जो जैसे मणिपाल है नागालैंड है वहां की वो कॉमन स्पीशीज है राइट. वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन में वो बड़े आसानी से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो है वो उनके लिए फेवरेबल है. लेकिन हमारे यहाँ वो कंडीशन है ही नहीं तो वो हमारे यहाँ के लिए अनफेवरेबल है और रेयर प्लांट हो गया यानी रेयर प्लांट हो गया. तो नाउ वहां पे तो हो सकता है वो पेड़ 20 rupees में मिल जाए आपको. जो बेचने वाले हैं आपको 2000 में बेचते क्योंकि आपके लिए तो वो रेयर है. सो इट इज लाइक दिस. सो यू हैव टू यू नो सी टू दिस पार्ट की बेचने वाला इंसान कितना जेन्युइन है एंड इट ऑलवेज कम्स विद एन एक्सपीरियंस. लाइक मैंने आपको बताया इनिशियली जब मैंने खरीदा था आई केम अक्रॉस प्लांट कलेक्टर्स जिन लोगों ने मुझे 3-3 times की प्राइस में पेड़ बेचे हैं और मैंने खरीदे हैं. बट यू नो एज आई केम अक्रॉस मोर एंड मोर ऑफ सच पीपल आई केम टू नो द रियालिटी. सो इट्स ऑलवेज अबाउट ट्रस्ट. इट्स लाइक दैट. तो प्लांट्स के बारे में हमें मतलब काफी नॉलेज होना चाहिए, उसके पीछे रिसर्च होना चाहिए हमारा और ये पता होना चाहिए कौन सा प्लांट कितने आपके इंट्रो में मैंने पढ़ा था अ फॉर्मल बैलेंस इन प्लांटेशन. सो बेसिकली चीज समझने की आप कोशिश कीजिए जब भी अभी कभी आप 10 पेड़ों का भी ग्रीन कॉर्नर अपने घर में बनाते हैं या जिन लोगों के घरों में 15-20 gamlas होंगे उनकी बालकनी में तो वहां एक ना एक बर्ड या एक ना एक बटरफ्लाई तो डेफिनेटली आती ही आती है. लाइक इट्स अ थिंग कॉल्ड कि ये तो होना ही वाली सिचुएशन है. सिमिलरली जब मेरे पास अब 4000 plants है 450 different species की 800 square feet में तो इस 800 square feet का जो इकोसिस्टम है वो काफी डिफरेंट है, काफी वेल मेंटेन्ड है. इस कंप्लीट इकोसिस्टम पे बहुत सारे फौना डिपेंडेंट है. फौना यानी इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीजें, बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, टोड्स हो गए, स्नेक्स हो गए. लाइक जो हमारा 800 square feet का स्पेस एरिया है वो सराउंडेड है कुछ और फौना से, फ्लोरा से. तो एक तरीके से वो उनके लिए विजिटिंग स्पेस हो जाती है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमिंग बर्ड्स हैं जो अपने अंडे देती हैं, स्क्विरल्स हैं और अलग अलग तरीके के आपको ग्रास हॉपर्स दिख जाएंगे, 7-8 डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाईज की स्पीशीज देखने मिल जाएंगी. और कुछ ऐसी ऐसी बटरफ्लाईज है जो इनिशियली मेरे गार्डन में विजिट पे नहीं आती थी लेकिन अब आती है. सो दैट्स हाउ बिकॉज जो प्लांट होता है वो एक होस्ट होता है, इट्स अ होस्ट बॉडी. लाइक उस एक घर होता है वो इंसेक्ट के लिए. जैसे हम पेस्ट इन्फेक्शन भी अगर कहते हैं, स्पाइडर माइट अगर लग जाते हैं तो वो स्पाइडर माइट पेड़ पे लगते हैं, आपके हाथों पे नहीं लगेंगे क्योंकि वो स्पाइडर माइट जो है वो प्लांट पे फीड करेंगे इसीलिए लगते हैं. लाइक हमारे लिए ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई हमारे पेड़ों को खा रही है तो वो जो बटरफ्लाई का लार्वा है जो उसको फीड करता है वो लीव उसका खाना है. दैट्स व्हाई वो उसको फीड कर रहा है. अदरवाइज अगर लार्वे का खाना वो पत्ती नहीं होगी तो वो डेफिनेटली नहीं खाएगी. लाइक जिस तरीके से हम लोग सेल्फिश टाइप के हैं थोड़े, एनिमल्स उतने सेल्फिश नहीं है. वो सिर्फ उससे उसी चीज को टच करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं जिससे उनको बेनिफिट होता है. तो इट्स लाइक दैट. तो जो पूरा मेरे जो जंगलवास का फ्लोरा है या जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी वर्टिकल गार्डन है, ओवरहेड गार्डन है, प्लांट्स जो है वो सीमेंट पॉट्स में हुए या मिट्टी के गमलों में है, एक कंप्लीट ऑरा बनाया हुआ है वहां पे अपना खुद का. फाउंटेन है तो फाउंटेन के आसपास स्टोर्ड रहते हैं फ्लाइंग फ्रॉग्स आपको देखने मिल जाएंगे, छिपकलियां देखने मिल जाएंगी. तो ये सब चीजें सिर्फ इसलिए वहां पे है क्योंकि उनको वहां रहने के लिए बेहतर एनवायरमेंट मिल रहा है, एक बेहतर अच्छा घर मिल रहा है.
क्योंकि अगर आप देखो स्पैरोज हुई, पिजन हुए, हमिंग बर्ड्स हुए, बटरफ्लाईज हुई, ये सिर्फ और सिर्फ वही एग्जिस्ट करेंगी जहां पे उनको अच्छा बेहतर महसूस हो। मुझे नहीं लगता आपने कभी भी बटरफ्लाई को देखा होगा कि वो मतलब बीच रोड पे उड़ रही होगी, मतलब सिर्फ आपको गार्डन में मिलेगी, क्योंकि उस गार्डन में उसको फीड करने के लिए पत्तियां मिलेंगी, अपने एक्स को ले करने के लिए अंडर साइड ऑफ द लीव मिलेंगी। तो इसी तरीके से जो फौना है मेरे यहाँ का जंगलवास का जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और इवन इफ इन फ्यूचर जैसे जंगलवास अब कुछ टाइम में शिफ्ट होने वाला है थोड़ा डिफरेंट स्पेस स्पॉट में, तो आई एम वरीड कि वो जो फौना उस पर डिपेंडेंट है वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो वहां पे स्क्विरल्स हैं उनको फीड करने के लिए मैं दाना डालती हूँ, जो चिड़िया वहां पे आती है उनको डालने के लिए मैं दाना और पानी भी देती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे गर्मियों के टाइम पे जो बटरफ्लाईज है जैसे स्टारोज हुई, हमिंग बर्ड्स हुई, और जो हम जैसे एंग्री बर्ड्स कहते हैं, इन सब लोग का टाइम फिक्स है। लाइक इवन स्क्विरल्स का भी, जब जिस टाइम पे स्क्विरल्स उस दाने को खा रही होंगी उस टाइम पे स्टारोज नहीं आती, और जिस टाइम पे स्टारोज खा रही है उस टाइम पे आप वहां पे स्क्विरल्स को नहीं देख पाओगे। हैव द बैलेंस, उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी है जिसको मेंटेन करके चलते हैं। ऐसे जब अभी जैसे एक मंथ पहले जो जामुन का पेड़ है उस जामुन के पेड़ में बहुत जामुन लगा हुआ था, तो उस जामुन को खाने आप देखिए दूर से मंकीज आते हैं। लाइक वैसे मेरे उसमें मंकीज नहीं देखने मिलते, बट वो मंकीज इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जामुन लगे हैं, सीताफल लगे हैं, अमरूद लगे हैं जिनपे हम फीड कर सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। तो दे नो कि उन्हें खाना कहाँ मिलेगा, दे नो कि वो कहाँ पे सेफ फील करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट ओवर देयर। सो इट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने यहाँ के फ्लोरा और फौना दोनों को सेफ करें। जैसे बटरफ्लाईज में, बीज में, अगर ये बीज और बटरफ्लाईज हमारे इकोसिस्टम से चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो हमारे यहाँ का इकोसिस्टम बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, और अगर एक बार इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो हम होमो सेपियंस या ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस में बहुत डिफिकल्टी आएगी। जिस तरीके से अभी आपने देखा अपने अचानक से मॉनसून शिफ्ट हुआ है, राइट? लाइक जहां मॉनसून जून में हिट करता है उस मॉनसून ने जुलाई में हिट करा है, एंड अब जब हिट करा है यू कुड सी कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। मतलब ये चीज तो हम हर साल देखते हैं, हर साल एनवायरमेंटलिस्ट इसके ऊपर बात करते हैं, बट यू नो जो चेंज है, जो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो तब क्रिएट होगा जब सोसाइटी लेवल पे रहने वाला हर एक इंडिविजुअल अपने घर से शुरुआत करेगा। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने घर में 15 मतलब आपके पास, मैं कहती हूँ हो सकता है, जैसे पीपल आस्क मी, पीपल से दिस टू मी कि मैम आपके पास तो 800 स्क्वायर फीट था तो आपने जंगलवास बना लिया, हम पे तो एक बालकनी है तो हम कहाँ से जंगलवास बनाए। तो इट्स लाइक इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट स्पेस। मेरे पास आज के डेट में 800 स्क्वायर फीट है, हो सकता है कि मेरे पास इन फ्यूचर वो 800 स्क्वायर फीट ना रहे, तब मैं क्या करूंगी? ऐसा तो है नहीं कि मैं तब इस जंगलवास को डिसमेंटल कर दूंगी या मिट्टी में मिला दूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट थिंकिंग प्रोसेस, लाइक हाउ डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एसोसिएटिंग टू द नेचर। अगर नेचर नहीं बचेगा तो आप डेफिनेटली नहीं बचोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके सिर्फ 50 स्क्वायर फीट की भी एक बालकनी है तो उसमें आप एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाइए, उस ग्रीन कॉर्नर में आप ज्यादा से ज्यादा 10 पेड़ भी रखिए, और उस 10 पेड़ से ही आपको एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शन 110% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जब आप खुद को ग्रीन के संग एसोसिएट करते हो या एक ग्रीन कॉर्नर के संग खुद के घर को एस्टैब्लिश करते हो तो आपको पॉजिटिव वाइब्स और ग्रीन ड्राइव की एक एनर्जी मिलती है, एक थेरेपी मिलती है, एंड आई कॉल दैट एज अ ग्रीन थेरेपी। लाइक मैंने इस चीज को बहुत पर्सनली ऑब्जर्व करा है कि मम्मी ने कभी डांट दिया या ऑफिस से मैं लौट के आई हूँ, बड़ा स्ट्रेस्ड आउट कंडीशन है, मजा नहीं आया आज ऑफिस में, मैं लौट करके 5-4 बजे आई कम बैक टू माई लाइक स्पेस, और मैं जाकर के अपने स्पॉट पर बैठ जाती हूँ जहाँ मैंने क्रिएट करा है, और 2-3 मतलब जो फाउंटेन है फाउंटेन के सामने एक स्पेस है वहां पे मैं बैठ जाती हूँ। विदिन 10 मिनट्स मैं अपने आप काम हो जाती हूँ। लाइक आई डू नथिंग, आई जस्ट सिट एंड आई थिंक नथिंग, कुछ नहीं, ब्लैंक, बस पेड़ों को देखती हूँ, पानी की आवाज सुनती हूँ,
चिड़िया है तो चिड़िया दिख जाती है, अगर स्क्विरल है तो स्क्विरल दिख जाती है, और अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं शाम के टाइम में, तो बस पेड़ है, हिल रहे, डुल रहे, ऐसे आप बिलीव नहीं करोगे, अपने आप आपका मन शांत हो जाता है। और मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं है, मैंने अनगिनतों बार खुद के साथ महसूस करी है। और इस चीज को मैंने कॉन्फिडेंस में लेना तब स्टार्ट किया जब मुझको कोविड हुआ था, और उस कोविड की सिचुएशन में एंजाइटी नेक्स्ट लेवल पे थी। एंड उस ड्यूरेशन में मैंने अपना बहुत टाइम अपने जंगलवास में स्पेंड किया था। उस टाइम पे आई वॉज लाइक 110% श्योर कि येस, वेन यू आर अराउंड ग्रीन, आपका माइंड काम होता है, आप खुद काम होते हो, आपको एंजाइटीज हिट नहीं करती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप डिप्रेशन में तो कभी जा ही नहीं सकते अगर आप ग्रीन्स के संग काम कर रहे हो। तो दैट्स हाउ यू नो ग्रीन्स आपको फिजिकली मेंटली काफी ज्यादा यू नो फिट बनाते हैं और काफी ज्यादा स्टेबल रखते हैं। बिल्कुल साक्षी, आपने बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे उठाए हैं इस चीज को लेकर कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें शौक नहीं होता बाहर जाने का। पहले का टाइम ऐसा था कि बच्चे बाहर जाके खेलते थे, पार्क में खेलते थे, बट अभी कोरोना के टाइम से ऐसा हुआ है कि पूरे टाइम लैपटॉप, मोबाइल और ये सारी चीजें रहते हैं। लेकिन हमारा जो आज का ये एक इंस्टीट्यूट बहुत ही खास होता सकता है, इट वॉज रियली वेरी अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड थ्रू यू टॉकिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल। एंड आई रियली होप कि मुझको सुनने के बाद अगर मतलब 10 लोग भी इंस्पायर होते हैं और अपने घर में एक जंगलवास या एक ग्रीन कॉर्नर बनाते हैं, दैट विल बी एन लाइक दैट विल बी यू नो सफलता स्टोरी। सो दैट्स हाउ वी लाइक मेरा जो एजेंडा है, लाइक व्हाई आई एम थिंकिंग कि मोर ऑफ मोर इस जनरेशन की पीपल, द जनरेशन टू विच आई एम बिलोंगिंग एंड द जनरेशन दैट इज कमिंग अप, लाइक यू नो जो बच्चे हैं, आई वॉन्ट दोज किड्स टू बी एसोसिएटेड टू ग्रीन, लाइक उनको नेचर की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसमें भूमिका जो रहेगी वो उनके पेरेंट्स की रहेगी, उनके सिबलिंग्स की रहेगी, कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को सिखाएं या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट टू प्लांट अ ट्री एंड हाउ टू प्लांट अ ट्री। लाइक हमें ईवीएस में पढ़ाते तो जरूर है, बट हमें आज तक आई डोंट थिंक सो कि जब आपने भी पढ़ा होगा ईवीएस में, तो कभी भी हमें प्रैक्टिकल क्लास दी गई थी जिसमें हमें ये बताया गया हो कि पेड़ लगाने में के टाइम पे गड्ढा कैसे करना है या खाद कितनी देनी है या पानी कितना देना है। सो यू नो वी नीड दिस थिंग टू बी इन लाइक मोर ऑफ प्रैक्टिकल एंड ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल तो है ही है, बट वी नीड मोर ऑफ यू नो कमिंग जनरेशन गेटिंग एसोसिएटेड टू ग्रीन एंड दिस जनरेशन सेविंग द नेचर, लाइक सेविंग द फॉरेस्ट फॉर द कमिंग जनरेशन। लाइक हमारे मतलब बड़े जो लोग थे उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ छोड़ करके गए हैं, सो इट इज आवर ड्यूटी टू कीप अ बैलेंस ओवर हियर एंड टू प्रिजर्व इट एंड टू गिव इट एज अ प्रेजेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। बिल्कुल साक्षी, बहुत अच्छी बातें आपने कही, आई विश आपका जंगलवास आगे बहुत ज्यादा ग्रो करे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you.